Yes, we are live now. Hello friends. This is Imanchi and welcome to Let's Learn. Sabhi good येस वी आर लाइव नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस Start करेंगे आज का session CDP for पी जुलाई हम कह सकते हैं कि 7 जुलाई 2024 को आपका paper है और 21 जनवरी 2024 को जो paper हुआ था उसका analysis हम लोग कर रहे हैं Paper two का analysis हम already कर चुके हैं अगर आपने वो session ना देखा हो तो आप YouTube पर देख सकते हैं यही Let's Learn पर और uh, पेपर वन का एनालिसिस आज हम करेंगे प्रॉपर थर्टी क्वेश्चन है टाइम लेकर के डिस्कशन करेंगे क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है आपको सिर्फ आंसर्स देख रहे हैं तो आप सी की वेबसाइट से आंसर की से है ना किसी भी किताब से कहीं से भी देख सकते हैं बट एक प्रॉपर एनालिसिस मतलब एनालिसिस के एक एक का, एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन हम अच्छे से समझ पाए ताकि चीजें दिमाग में टिकें कल से कोशिश रहेगी कि क्लास नौ बजे लगा पाए बैक टू बैक क्लासेस होने की वजह से ये वाली क्लास आपकी लेट हो जा हो जाती है क्योंकि ये दिन की आखिरी क्लास होती है बैचेस के अलावा तो करते हैं कंटिन्यू होली होपफुली आपने अच्छे से

तो अगर हम देखें वैसे सिलेबस के अनुसार ये पंद्रह नंबर की यूनिट है ये पांच नंबर की यूनिट है और ये आपकी दस नंबर की यूनिट है ठीक तो पंद्रह और पांच बीस और दस तीस आए कितने क्वेश्चन कहां से हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं जेंडर से एक क्वेश्चन आता भी एक ही है कोलबर्ग से दो क्वेश्चन ठीक है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी प्याजे वाइगोस्की से जो क्वेश्चन है वो पांच क्वेश्चन है एक कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी है इसमें ठीक तो मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद लिख दिया है डेवलपमेंट यानी विकास पांच क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा एक क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं इससे एक क्वेश्चन सीसीई टू क्वेश्चन इंटेलिजेंस गार्डनर का एक क्वेश्चन है सोशलाइजेशन का सामाजिकरण का एक क्वेश्चन है ठीक तो ये सबसे ज्यादा नंबर आपकी यही यूनिट ले जाती है दिखने में इसमें पंद्रह नंबर होते हैं बट इससे ज्यादा के क्वेश्चन आ जाते हैं पंद्रह नंबर से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक और दो तीन और पांच आठ आठ पांच तेरह चौदह पंद्रह और दो सत्रह और दो उन्नीस

दो और तीन पांच थिंकिंग जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग है ना कॉग्निशन इमोशन एक मोटिवेशन पे दो क्वेश्चन मोटिवेशन पे आई थिंक एक ही क्वेश्चन है तो पेपर टू में था तीन और दो पांच और एक छे और दो आठ यानी दो नंबर यहाँ कमाए हैं ठीक और एक नंबर उधर कहीं तो कुछ ऐसा हुआ होगा एक नंबर एक्स्ट्रा बन रहा है कि कोई ये क्वेश्चन दो टॉपिक में या दो यूनिट में कॉमन होगा इसलिए वो आपको यहाँ नंबर ज्यादा नजर आ रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा आता चार नंबर में इस बार आया वैसे पांच नंबर का जो है आपका टॉपिक है ठीक तो वो एक नंबर ऐसा हुआ होगा कि कोई टॉपिक मर्ज किया होगा कॉमन होगा दोनों यूनिट में तो वो एक नंबर आप वहां एडजस्ट कर सकते हैं चलिए भाई समझते हैं कहानी तो मतलब कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जैसा सिलेबस दिया हुआ है दिया हुआ है वैसा ही है बस आपको इस बात से ये चीज समझ आ जाती है कि यूनिट वन की इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है बाकी दोनों यूनिट से क्योंकि पंद्रह नंबर की तो लिखी हुई है आती अठारह उन्नीस तक भी चला जाता है इसका स्कोर कि बाकी दोनों यूनिट्स आपको आसानी हो जाती है जैसे आप यूनिट वन अच्छे से समझ लेते हैं और अभी हम यूनिट वन ही चला रहे हैं बैच में और uh, क्योंकि चैप्टर वाइज डिस्कशन होता लाइव क्लासेस आपकी डेली चल रही है ये सेशन आपको पसंद आएगा ये एनालिसिस आपको पसंद आएगा आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आप सीख जाएंगे कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं आखिर बैडोलॉजिकल क्वेश्चन में मोर देन फिफ्टी बैटल तो हाफ बैटल बैटल आपकी आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं आप जब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आने लगे है ना तो वो एक चीज़ है इसका जो टेलीग्राम चैनल पे विद आंसर्स जो प्रीवियस क्लास थी पेपर टू वाली उसके भी आंसर्स मैं आज ही अपलोड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल किसी भी फेक वेबसाइट फेक टेलीग्राम चैनल से प्लीज़ मत जुड़िएगा किसी भी ग्रुप से सिर्फ करियर वेल ऐप और लेट्स लर्न पे आपको ऑफिशियली क्लासेस मिलती हैं टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड यहाँ आपको नौ लाख से ज़्यादा लोग हम लोग जुड़े हुए हैं तो पीडीएफ वगैरह आपको वहां मिल जाती है बाकी बैच की पीडीएफ बैच में है ऐप में ही मिलेंगी आपको है ना ये आपका टारगेट बैच है जिसमें बहुत सारे लर्नर्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं जो डिस्काउंटेड फी है उसके लिए आप वेबसाइट से ही कोर्स जो है वो ले और ये लाइव बाकी टीचर्स भी अपना अपना सब्जेक्ट यहाँ देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे आप पोल में जवाब देंगे फटाफट से पहला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं अजर्शन यानी कथन है और रीजन यानी कारण है इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने लगे हैं पहले ये टाइप हुआ ही नहीं करता था जब तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था तब तक ये पूछा ही नहीं जाता था अभिषेक ठीक है भाई तो अब देखते हैं अभिकथन क्या है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना भाई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेपर वन वाले ही करेंगे इस डिस्कशन को पेपर टू वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है उसी लॉट में से मान लो अगर हजार क्वेश्चन है किसी के पास तो उसी में से पेपर वन पेपर टू में चले जाते हैं ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आपके लिए क्वेश्चन डिफरेंटली बनेंगे क्योंकि सिलेबस सेम है स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेजेस यानी जो स्कूल का करिकुलम है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए यानी बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है किस कल्चर से कैसा परिवेश है उसका उन सब चीजों का ध्यान आपके सिलेबस में करिकुलम में सिलेबस जस्ट एक हिस्सा है करिकुलम का देखो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है करिकुलम यानी जिसमें पाठ्यचर्या कहते हैं जिसको और हिंदी में लिख दिया है पाठ्यक्रम जबकि पाठ्यक्रम की इंग्लिश होती है सिलेबस तो आपको इंग्लिश में फाइनली देख लेना है इंग्लिश के जो टर्म्स हैं वो जरूरी है इस सब्जेक्ट में उसका रीजन यही है कि कई बार ये हिंदी में कुछ और दे देते हैं ट्रांसलेशन जबकि फाइनल माना जाएगा किसको इंग्लिश वाले को ही फाइनल मान करके चला जाएगा जब पेपर में फाइनल डिस्कशन की बात आती है इतनी बात क्लियर है सबको कोई दिक्कत परेशानी क्लियर है ना चलो फिर देखो एक बार तो अजर्शन की जब हम बात करें यह कह रहे हैं स्कूल करिकुलम में जो स्कूल की एक्टिविटीज हैं चाहे वो सिलेबस हो एग्जाम्पल्स हों एक्टिविटीज़ हो बच्चे के बैकग्राउंड को जहां से वो आ रहा है उस तरह के एग्जाम्पल्स उसके कल्चर जैसे त्यौहार यानी फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करता है जैसा खाना वो खाता है जैसा पहनावा वहां पहना जाता है इन सब चीज़ों को महत्व देना चाहिए बच्चे की कल्चरल नॉलेज को महत्व देना चाहिए तो बच्चा जो भी घर से लेके आए वो सब काम का है ये बात मैं आपको बहुत बार बताती हूँ तो बच्चा जो भी लेके आए सब काम का है उसको यूटिलाइज करेंगे उसका वो पूर्व ज्ञान है ठीक रीज़न क्या है इसका सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट लर्निंग यानी यदि आप बच्चे की सांस्कृतिक पहचान को सपोर्ट करेंगे उसकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करेंगे उस पर प्रहार नहीं करेंगे कि अच्छा तुम इस जाति से इस समूह से इस कल्चर से आते हो उस तरह का खाना खाते हो उस तरह के कपड़े पहनते हो उस तरह के त्योहार मनाते हो तो तुम तो खराब हो ऐसा नहीं आपको उल्टा फील कराना है कि हाँ ठीक है तुम भी तुम जिस चीज में विश्वास रखते हो जैसा बैकग्राउंड लेकर के आ रहे हो सब चलेगा कोई दिक्कत नहीं है सब विभिन्नता वाले बच्चे होंगे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होंगे क्लास में में और वो अपनी आइडेंटिटीज जो कल्चरल आइडेंटिटी है चाहे वो कोई नमाज पढ़ता है मान लीजिए कोई कुछ और रिलीजन भी यहां पे आई जाएगा course, तो आ, कोई पूजा कर रहा है कोई आ, चर्च जा रहा है तो ये सब ओके है सब अपने अपनी चीजों को फॉलो कर सकते हैं क्लासरूम में अगर ये मैसेज जाएगा इस चीज से जब आप कल्चरल आइडेंटिटी को या उसकी नॉलेज को सपोर्ट करेंगे तो ये बात तो सही है बिल्कुल सही रीजन है कि बच्चा क्या करेगा सिक्योर फील करेगा अपनी कल्चरल आइडेंटिटी में और जो वो जिस कल्चर से जिसको जो आता है वो चीज उसको लर्निंग में मदद करेगी या सब एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे तो विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में समर्थन मिलेगा और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा कॉन्ड्यूसिव बनाएगा क्योंकि बच्चे के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं लर्निंग में तो अगर वो सेफ फील करेगा स्कूल के एनवायरमेंट में तो इट्स गुड फॉर दी लर्निंग एनवायरमेंट चलिए खैर तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स नहीं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जो कि 76% लोग सही उत्तर दे रहे हैं दोनों में से कोई गलत नहीं है दोनों अपनी जगह भी सही है एक दूसरे के लिए भी सही है यानी इसका रीजन भी सही है क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा जवाब दीजिएगा फटाफट सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं सामाजिक संरचनावादी कौन है भाई सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी वाइगोस्की की बात हो रही है जो ये मानते हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या मानते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अन्योन क्रिया करके इंटरैक्ट करके एक्टिविटी करके ज्ञान का सृजन करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है जब वो अपनी चाची दादी नानी बुआ दादाजी सबके साथ मिलकर जब वो कहानियां सुन रहा है त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है तो ये सब क्या है उसके ज्ञान का सृजन करने में उसकी मदद करेंगे बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही सीख जाते हैं आसपास से अपने बात ठीक है अभी क्या वकालत करते हैं देखते हैं इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग देखिए है कंस्ट्रक्टिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट सोशियो यानी समाज यानी ग्रुप में सीखना लोगों के साथ इंटरक्ट करके बातचीत करके सीखना और ये क्या कह रहे हैं कि लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग अब लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग में बच्चा एक्टिव नहीं होता वहां पे सिर्फ वन साइडेड हो जाती है चीजें कि व्याख्या दे रहे हैं टीचर या कोई एक एक तरफा बात चल रही है वहां बच्चा एक्टिव नहीं जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा एक्टिव मिलेगा हमेशा सिंपल एक लॉजिक याद रखना है जहां रचनावाद लग गया मतलब बच्चा ज्ञान की रचना करता हुआ मिलेगा यानी बच्चा सक्रिय मिलेगा है ना जबकि ये कह रहे हैं कि व्याख्यान देने से सक्रियता बढ़ती है नहीं बच्चे के एक्टिव होने से सक्रियता बढ़ती है ना कि व्याख्यान देने से बी ऑप्शन है इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू दी प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल ये एकदम खराब नेगेटिव वर्ड है जब हम की करेंगे तो डिस्कस करेंगे ये कह रहे हैं कि जो बढ़िया लर्निंग है जो प्रभावी शिक्षण है वो होता है जब आप रिकॉल करते हैं दो एक दो, दो चार या आपने कुछ याद किया उसको याद कर रहे हैं फिर से रिकॉल कर रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार इसको रटना कहते हैं रोट लर्निंग में जाएगा ये नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएगा तो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद में भी नहीं जाएगा सी ऑप्शन है लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिवली बस जहां ये पैसिवली वर्ड आ गया तो वहां तो काम खत्म ही हो गया बच्चे को तो एक्टिव रखना है जिस ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है वहां वो ज्यादा सीख रहा है सिंपल बात तो डी ऑप्शन लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का कर निर्माण करते हैं जब वो क्लासरूम में ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिस्कशन हो रहा है क्लासरूम में है ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ग्राउंड में जाकर के है ना साथियों के साथ खेल रहे हैं फील्ड ट्रिप पे आप लेके गए उनको यानी बच्चा हमको एक्टिव चाहिए वही ऑप्शन बेस्ट है जो बच्चे के पक्ष में है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और यही बात सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग भी कहेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग ध्यान रखिएगा नॉट लिखा हुआ है और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जहां नॉट लिखा हो एक्सेप्ट लिखा हो लीस्ट लिखा हो सिवाय नहीं बजाय इस तरह के शब्द अगर लिखे हुए तो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है पूछा है अधिगम के बारे में यानी लर्निंग के बारे में सीखने के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है पहला ऑप्शन है लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन यानी अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा सुसाधित या संसाधित होता है यानी जब बच्चा ग्रुप एक्टिविटी करेगा तो बेहतर सीखेगा बिल्कुल सही बात है बच्चा एक्टिव है यहाँ पे भी सही है हमें सही नहीं चाहिए हमें नॉट चाहिए लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया नहीं अपितु तो एक उत्पाद है एक एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट है है जैसे ये बॉटल होगी ठीक ना प्रक्रिया थोड़ी है चल के थोड़ी जा रही है अपने आप कहीं है ना प्रोसेस तो प्रोसेस में होती है यानी एक्टिव होगी मतलब एक ऑन गोइंग होगी अगर मैं कहूं तो चल रही होगी प्रोसेस तभी तो कह रहे हैं हम उसको लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज यानी अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है यानी जो आपने कल सीखा उसको आप आज यूटिलाइज करते हैं ओल्ड जो नॉलेज है या बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज जिसको हम कहते हैं पूर्व ज्ञान उसको आप नए ज्ञान से जोड़ते हैं ठीक बात है लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स जो अधिगम का तात्पर्य है वह है पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है यानी मेरे दिमाग में स्कीम का मतलब क्या है मेरे दिमाग में जो भी नॉलेज फीडेड है जो भी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उसमें रीऑर्गेनाइजेशन कुछ नया ऐड करना कुछ पुराना हटाना है ना जैसे आप अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करते हैं ये वैसा सा है बात तो ठीक है कि आप कुछ चीजें ऐड करते हैं कुछ हटाते हैं कुछ चेंज करते हैं तो ये हो जाता है रीऑर्गेनाइजेशन बात तो सही है लेकिन एक चीज है जो गड़बड़ है वो है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है ये बात गलत है और क्योंकि गलत है इसलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत था मतलब क्या हुआ भाई लर्निंग एक प्रोसेस है और प्रोसेस भी कैसी है प्रक्रिया भी कैसी है जो ग्रेजुअल है धीरे धीरे जब आप पहली क्लास लेंगे और दसवीं क्लास लेंगे बैच में हो चाहे यूट्यूब पर हो आपको अंतर पता लगेगा कि आपके अंदर आपकी समझ बेहतर हो रही है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि एक दिन में आपको कोई टैबलेट दे ली और दे दी और सारा सिलेबस अपलोड हो गया दिमाग में है ना रोबोट थोड़ी हो चिट्टी थोड़ी हो आप रोबो के है ना तो ये क्या है प्रोसेस है जो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलती रहती है और लाइफ लॉन्ग चलती है लर्निंग

क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ना बहुत समझ पढ़के समझना बहुत जरूरी है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं यानी ये गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट हमने सबने पढ़ा है अब तो बैच में भी हो गया है ये टॉपिक पिछले साल भी आपने पढ़ा होगा मैराथन वगैरह में भी देखा होगा ग्रॉस टू फाइन जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं है ये ग्रॉस टू फाइन है यानी स्थूल गतिक कौशल से बड़ी मांसपेशियों से सूक्ष्म मांसपेशियों की ओर जाती है जो ये प्रक्रिया है आपकी कौशलों के विकसित होने की ठीक है ना बहुत बढ़िया धर्मेंद्र देखिएगा तो अगर हम देखें तो यहां पे बात हो रही है ग्रॉस मोटर स्किल्स स्किल्स दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज वॉट विकास के क्रम में बच्चे पहले सूक्ष्म पेशीय कौशल से सकल पेशीय कौशल की ओर विकसित करते हैं है उल्टा लिखा हुआ है कुछ तो इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स सही लिखा है सकल मतलब स्थूल भी लिख देते हैं हिंदी में इसके कई नाम हो सकते हैं तो ग्रॉस टू फाइन जाना बिल्कुल ठीक है क्या दिक्कत है लीनियर है लीनियर नहीं होती रेखी नहीं होती प्रक्रिया स्पाइरल होती है आगे पीछे आगे पीछे

आपका बाद में आएगा कंट्रोल जो आपके बाकी जैसे सेंटर मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी आपका हार्ट फिर यहां से आपकी कंधो पे कंट्रोल से पे कहते हैं। पहले बड़ी मांसपेशियां आर्म्स क्या है आपकी बड़ी मांसपेशियां ये बाहें और हैंड्स की मांसपेशियां हैं उससे छोटी हुई फिर फिंगर्स की मांसपेशियां उससे भी छोटी हुई तो ये क्या हुआ ग्रॉस टू फाइन जा रहे हैं आप प्रोक्सीमो डिस्टल में ठीक है इसको नियर टू फार या केंद्र से सीमाओं की ओर बोल देते हैं केंद्र क्या है बॉडी का सेंटर हार्ट या रीड की हड्डी या ये सेंटर के पास हैं जो कंधे हैं आपके आपकी आर्म्स हैं यानी शोल्डर्स आर्म्स और ये सब दूर हैं हैं जो फिंगर्स हैं आपकी तो वो वो बाद में विकसित विकसित होंगी पहले आपके सेंटर वाला पार्ट जो है होगा तो ये विकास की दो दिशाएं हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं इसको विकास का एक सिद्धांत है जिसको दिशा का सिद्धांत कहते हैं ठीक है ना दिशा पता नहीं वाला नहीं जिसकी दिशा हमें पता है बहुत ही गंदा जोक था बट आप सहन कर लीजिएगा लीजिएगाडल सेफेलो यानी सिरोध पदोन्मुखी सिर से पद की ओर हेड हेड टू टो पहले बच्चे का कंट्रोल अपने सर पे आएगा फिर ये सर से दिशा पैर की ओर जाएगी कि वो गर्दन संभालना सीखेगा फिर ये वाला पार्ट फिर वो बैठना सीखता है फिर खड़े होना सीखेगा ठीक है ना तो ये क्या है हेड टू टो सर से पैर के अंगूठे तक सेफेलो इसको लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत विकास की दिशा भी बोल देते हैं अगर मैं बात करूं यहां डिस्टल की जो दूसरी तरफ है तो डिस्टल में विकास जो शुरू होता है विकास की प्रक्रिया वो आपकी सेंटर से ये आप देख रहे हैं सेंटर से तो आर्म्स की तरफ जाएगा है ना फिर हैंड्स की तरफ सेंटर से बाहर की ओर तो नियर टू फार बोलते हैं उसको नियर टू फार यानी केंद्र से सीमाओं की ओर सेंटर टूट पेरीफेरी भी बोल देते हैं यानी सीमाओं की ओर आपकी बॉडी की सीमाएं क्या है आपकी उंगलियां जो है सीमाएं तो है यहां पर खत्म हो रही है बॉडी है ना तो ये देखो आप सेंटर से पहले कंधे पे कंट्रोल फिर आपके ये हाथ पे फिर, मतलब पे फिर फिर मतलब आर्म्स आर्म्स से भी पे और फिर फिंगर्स पे. तो ये दो दिशाएं है विकास की और डिस्टल से ही जुड़ी हुई है आपकी ग्रॉस टू फाइन वाली बात कि पहले आप बड़ी पे कंट्रोल आता है आपका, और बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों पर ना है, क्या कह रहे हो भाई ऐप में नॉट परचेज दिखा था माई कोर्सेज में देख लो एक बार माई कोर्सेज का सेक्शन होता है ऐप में वहाँ जाके देख लो और अपने दोस्तों को बता दो आज से हम क्लास बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे ठीक सैटरडे संडे आपका ऑफ सैटरडे जब मौका लगेगा तो लूंगी भी क्लास ऐसा नहीं है बट नौ बजे का टाइम रखेंगे और कल से थोड़ा सा और कल से हम क्वेश्चन डिफरेंट करेंगे मिक्सड क्वेश्चन करेंगे एकदम नए पुराने सब जो भी काम के हैं <clears throat> बीच बीच में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे चले आगे बढ़े डी ऑप्शन देखते हैं रीजनिंग यानी तर्क थिंकिंग यानी सोचना चिंतन प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान आर एक्सप्लेन इन विच आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको बताया वो विकास के पक्ष कहते हैं पहलू कहेंगे डोमेन कह लो आस्पेक्ट कह लो टाइप कह लो ये क्या है सब बात एक ही है पी सी एस ई अगर पूछे तो तीन है अगर नंबर में पूछे नहीं तो चार हैं जो मुख्य प्रकार हैं फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल और इमोशनल सोशियो इमोशनल को एक साथ भी लिखा जा सकता है तो हमें पता है जितने भी ये कहां के काम है तर्क कहां हाथों से करते हो तर्क हाथों से तो कुश्ती करोगे तर्क तो दिमाग से ही होगा लॉजिक तो दिमाग से ही जाएगा रीजनिंग तो दिमाग से ही होगी थिंकिंग दिमाग से ही होगी समस्या समाधान क्या है दिमाग से ही होगा कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो दिमाग से तो निकालोगे तो ये क्या है ये सारे काम दिमाग के विकास के हैं यानी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट जिसका दूसरा नाम मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी है मानसिक विकास व बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हो ना संज्ञानात्मक विकास जितने भी काम दिमाग से होते हैं थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजिनेशन मेमरी परसेप्शन जितने भी काम दिमाग से होते हैं जो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कॉन्सेप्ट का निर्माण यानी संप्रत्यों का निर्माण विकास के किस पहलू में होता है या पक्ष से जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्नेटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कहां बनेंगे संप्रत्य है ना पेन के बारे में बताओ कुछ तो पेन का कॉन्सेप्ट होगा ना आपके हाथों में थोड़ी होगा दिमाग में होगा तो टिव डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं ये सब मोटर डेवलपमेंट से आपके ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हो जाते ठीक सोशल डेवलपमेंट से मॉरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है ठीक पी सी एसई ये सब आपस में इंटर रिलेटेड भी है फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ठीक सोशल से जुड़ा हुआ है आपका मॉरल डेवलपमेंट जिसको हम नैतिक विकास कहते हैं समाज में तो जरूरत तो 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 पड़ती है गई, गलत सही की टिव में जितने भी काम दिमाग से होते हैं थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजिनेशन कल्पना जिसको हम कह रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट से मोटर डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है और तो आपकी लैंग्वेज किससे जुड़ी हुई होगी भाषा तो भाषा भी आपकी कॉग्नेटिव यानी आपके दिमाग से ही तो जुड़ी हुई है ना तो ये एक बात हो गई कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दीजिए दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं है जो भी आपका नाम है लिटिल नोनू विद ऑल इन पता नहीं कितनी कितना बड़ा नाम रखा हुआ है उन्होंने तो कह रहे हैं कि 97 आए हैं पेपर वन में 92 आए हैं पेपर टू में तो क्या दोबारा पेपर देना चाहिए बिल्कुल नहीं देना चाहिए मार्क्स मैटर नहीं करते हैं प्राइवेट में कहीं कर, पूछ सकता है आपसे अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा तो हो सकता है वहां भी ना पूछें। तो वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है काम तो आपका कोई नहीं रुक रहा दोबारा दिए बिना गवर्नमेंट जॉब में तो फर्क नहीं पड़ेगा चलिए आते हैं अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आफ्टर गेटिंग आउट इन दी गेम ड्यू टू रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग आउट एट वॉट स्टेज ऑफ जीन प्याज थी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजन लाइक दिस बच्चों का तर्क रीजन लाइक दिस मतलब प्याजी ने किसकी बात की है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की यानी आपके संज्ञान आपके मेंटल यानी आपके मानसिक विकास की बात की है प्याजी ने ठीक है ना फर्स्ट टाइम वॉचिंग बहुत बड़िया शालिनी रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंस गई एक बच्ची के और वो रस्सी फंसने की रस्सी अटक जाती है ना कई बार आप कूदते हैं बचपन में आपने रस्सी कूदी होगी स्केपिंग द रोप कहते हैं हम तो अगर आउट हो गई बच्चे के बीच में पैर में अटक गई वो रस्सी क्यों क्योंकि आप सही कोऑर्डिनेशन नहीं बना होगा आपके उछलने और रस्सी के उछालने में समन्वय नहीं बना होगा तो पैर में अटक गई इसलिए थोड़ी कि रस्सी का मन कर रहा था कि आपके पैर में अटक जाती हूं और अटक गई लेकिन बच्चों को लगता है ऐसा कि ये जान के अटकी है तो रस्सी फंसने के कारण बच्चा हो गया आउट आरू क्या कहती है फिर कि उस उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है है ना कि अगर बच्चा जमीन पे गिर जाए वो वाली बात होती थी ना तो हम कहते थे चीटी मर गई मर गई कोई बात नहीं रो मत यानी इस टेबल को भी चोट लगी होगी या इस टेबल ने बच्चे, बच्चे को अगर चोट लग गई टेबल से तो वो कहेगा इस टेबल ने मारा है मुझे जबकि टेबल तो निर्जीव है यानी यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर नहीं होता है इस उम्र में निर्जीव और सजीव चीजों का उसे लगता है निर्जीव चीज में भी जान है यानी वो नॉन लिविंग को भी लिविंग समझता है तो रस्सी खुद से थोड़ी कुछ करेगी रस्सी की अपनी कोई प्लानिंग थोड़ी है तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है एक तो उम्र क्या है दो से सात वर्ष इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे एनिमिज्म कहेंगे यानी सजीववाद कि वो निर्जीव को भी सजीव समझता है यही सजीववाद है या एनिमिज्म है बात ठीक है ऐसा बहुत में हो सकता है इसके अनगिनत उदाहरण हैं आप समझते ही हैं कि अगर ये पैन उसकी आंख में या बकवान ना कर लगे या उसके सर में या कुछ भी लग जाए वो कुछ भी खेल रहा था मान लो बॉल छाल के खेल रहा था बच्चा या बच्ची दो से सात वर्ष की है अब क्या हुआ वो गलती से लग गई क्योंकि वो पकड़ नहीं पाया सम्... सही समय पे या जो भी है आंख में लग गई मान लो तो बॉल बॉल ने बॉल ने मेरे को चोट लगाई है जबकि बॉल बॉल तो निर्जीव है थोड़ा ना सजीव है कि कोई जान के लगाएगी तो पूर्व चलन अवस्था इन्होंने हिंदी में दे दिया इसलिए कहती हूं इंग्लिश में आप टर्म्स को याद करिए हमेशा बदलते रहते हैं हिंदी में टर्म्स इसको वैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं की चार अवस्थाएं इसी

कई लोग इसको जन्म से पांच वर्ष भी मानते हैं में है लेकिन वो आपके काम का सी टेट में आपको जन्म से दो वर्ष मान के चलना है टॉय एज तीन से वर्ष नहीं तो अगर एक नंबर लेके चलना है तो नहीं तो टॉय एज आप जन्म से दो को भी मान लेंगे कई लोग और वो गलत भी नहीं होगा लेकिन अगर आपको पेपर में नंबर चाहिए तो तीन से छ वर्ष टॉय एज देखिएगा समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में यानी इन्फेंसी में डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज असिटिव पीरियड फॉर डेवलपमेंट जबकि मैंने आपको बताया सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सा है अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था दो से छ वर्ष बहुत तेजी से फास्टेस्ट डेवलपमेंट होगा लैंग्वेज का सबसे तेजी से भाषा का विकास होता है संवेदनशील काल है बच्चा जो भी आसपास से सुनेगा कार्टून में देखेगा सबको रिपीट करेगा फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद विदी डेवलपमेंट ऑफ दी फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है यानी जो शारीरिक विकास है तो ये बात तो गलत हो गई वो तेजी से होगा विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स क्यों भाई ग्रॉस मोटर स्किल अगर होगी बच्चे की तेजी से डेवलप यानी उसके हाथ और पैर बड़े हो रहे होंगे फाइन मोटर स्किल्स तो आपकी हैंड्स और आई का कोऑर्डिनेशन है सूक्ष्म जो मांसपेश है आपके हाथों की और आपकी आंखों की इससे थोड़ी ना पता लगता है कि शरीर कितना बढ़ रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो

और आपकी लेग्स या लिम्स के ही बढ़ने से दिखेंगे तो यहां पे क्या सही उत्तर बचता है यहां पे उत्तर बचता है सी ऑप्शन सही और आप लोग पता नहीं क्या कौन सा जवाब दे रहे हैं थर्टी टू परसेंट लोग बी ऑप्शन सही दे रहे हैं क्यों क्या हुआ आपको है? क्या हुई बताइए <laughs> देखिएगा सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है ये कहना गलत होगा क्योंकि ग्रॉस लिखा होता है यहां यानी स्थूल गतिक कौशल की बात होती है तो शरीर आपको बड़ा दिखेगा क्योंकि बड़ी मांसपेशियों की बात हो रही है छोटी मांसपेशियों के विकास के साथ क्या बड़ा दिखेगा शरीर आपको अगर मेरी हाइट कम भी है तो हाथ पैर तो एक लिमिट तक ही होते हैं ना नंबर शूज का ऐसा थोड़ी है कि जिसकी हाइट छह फीट है उसका उन्नीस नंबर हो जाएगा एक लिमिट ही होगी है ना जो एक एवरेज हाइट का बंदा है उससे एक दो नंबर एक्स्ट्रा होगा बस तो फाइन वोटर स्किल्स का ऐसा नहीं है कि आपका इससे आपका बहुत बड़ा शरीर का विकास दिखेगा अलग से तो इसलिए बन नहीं पाएगा सी ऑप्शन है द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट यानी जो अंग हैं आपके लिम्स हम कह रहे हैं ये जो पूरा यहां शोल्डर से लेके आपकी आर्म्स से लेके हैंड तक के जो पूरे आपके आ, मसल्स हैं या पार्ट है आपकी लेग्स हैं या आपकी आर्म्स हैं शोल्डर हैं ये सब लिम्स में आ जाते हैं तो ये आपके तेजी से ग्रो करते हैं आपके हाथ और आपके पैरों की बजाय हाथ ये और पैर मतलब बिल्कुल फीट की बात हो रही है लेग्स की बात नहीं हो रही है बात एकदम सही है कि जो आपके शोल्डर या आर्म्स या लेग्स हैं वो तेजी से विकसित होंगे बजाय कि आपके हाथ और पैरों के हाथ मतलब हैंड्स और फीट लेग्स और आर्म्स की बात नहीं हो रही लेग्स और आर्म्स तो तेजी से विकसित हो रहे हैं हैंड्स और फीट की बजाय क्योंकि हैंड्स और फीट तो एक लिमिट तक ही विकसित होते हैं ना बहुत तेजी से ऐसा तो नहीं होगा तो यहां पर सिंपल बात है तो इसमें क्या दिक्कत है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं अंग से लिम्स से मतलब है यहां पे शोल्डर आर्म्स लेग्स ये सब तो ये तो ये तुलना में ज्यादा ही बढ़ेंगे ना अगर तुलना में ज्यादा नहीं बढ़ेंगे आपकी ये 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 भुजाएं या आर्म्स आर्म्स और लेग्स तो 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 फिर तो आपके हाथ हाथ बहुत बड़े दिखेंगे आपको ये वाले हाथ अपनी से तो तो स्वाभाविक है कि इसकी अपेक्षा आ, जो है आर्म्स या फिंगर सॉरी हैंड्स और फिंगर्स की जो मसल्स हैं वो स्पीड उसकी कम होगी क्योंकि वो एक सीमा तक ही विकसित होते हैं ना आप देख पा रहे तो बॉडी का प्रपोर्शन है वो तो क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर एट एक अजर्शन अभिकथन है और उसका कारण है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन वॉट दे ऑलरेडी नो यानी जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है पूर्व ज्ञान है बच्चे जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर नए ज्ञान को निर्मित करते हैं या निर्माण करते हैं यानी जो मैं जानता हूं उसमें मैं ऐड कर लूंगा कुछ तो मेरा नया ज्ञान बनेगा बात तो सही है इसमें क्या दिक्कत है ट्रू है ये बात एकदम इसका रीजन क्या है फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुली यानी जब आप पैटर्न ढूंढते हो कि कौन सी चीज किससे जुड़ी हुई है और पिछले ज्ञान के साथ या पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हो नए ज्ञान को तोहतर होती है कि आपको पहले से जो पता है ऊपर बनाओगे जब बिल्डिंग बना रहे हो नीव के ऊपर ही बिल्डिंग बनेगी ना ऐसा थोड़ी है नीव कहीं और है, बिल्डिंग कहीं और बन गई ऐसा नहीं होता बिल्डिंग बनाने से पहले नीव बनाते तो नीव यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज या ओल्ड नॉलेज का काम करती है ठीक है ना इतनी बात क्लियर है मैडम अब मैं सीटेड पेपर टू के लिए इलिजिबल हूं कि मुझे पेपर वन पर स्टिक करना चाहिए या सीटेड पेपर टू भी देना चाहिए बिल्कुल दे दो क्या दिक्कत है उचित रहेगा बिल्कुल सुमन ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है भाई जो जो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं उनको बना के रखो सरकारी नौकरी की जो तैयारी है उसमें ये तो दिक्कत एक है ही कि आप ऑप्शन में छोड़ो अपने फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेजेस नुकसान क्या होगा पेपर टू देने से दो फटाफट से पेपर टू ठीक है सुमन चलिए जवाब दीजिए आप फटाफट से तो ये बात भी सही है कि मीनिंगफुल लर्निंग होती है यदि आपको जो आता है उससे आपको जोड़ करके कुछ नया सिखाया जाए तो वो अर्थपूर्ण लर्निंग होगी रट्टाफिकेशन नहीं होगा है ना दो प्रकार की लर्निंग मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण और एक है रोट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन तो रट्टाफिकेशन से बचना है रट्टाफिकेशन वो होगा जब आपको पहले से कुछ पता ही नहीं है उस चीज के बारे में और ना नया बताया बस रट लिया आपने जो भी नई चीज आई जबकि मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण अधिगम वो होगा जितना आपको आता है उसमें कुछ नया जोड़ा गया है तो मीनिंगफुल है तो आर आर ट्रू अभिकथन है और एक उसका कारण है चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है ना? हमारे यहाँ अगर हम बात करें हा, हा, गुरुकुल की प्रथा थी कहीं और कहीं कुछ और तरह की प्रथा रही होगी अगर हम अमेरिका की बात करें यूरोप की बात करें या आज भी इवन जो हमारे यहां हम जिस तरह से कह रहे हैं कि बचपन में ये ये काम बच्चों को करना चाहिए है ना या इवन आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी बचपन का अनुभव डिफरेंट हो जाएगा क्या एक अमीर परिवार का बच्चा वो सुबह ही अपना बॉटल लेके है ना वो ब, आ, वो याद कर लो कौन सी मूवी है कभी खुशी कभी गम तो एक बचपन उनका देख लो एक अपना देख लो आपको पता लग जाएगा कि अंतर है बचपन एज सेम है बेशक लेकिन बचपन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है अलग अलग कल्चर और अलग अलग संस्कृति और घरों में बैच में जब डिस्कशन कर रही थी सीटेट की, तो बताया था आपको कि बच्चों का विकास यूनिवर्सल नहीं है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यूनिवर्सल है जो स्टेजेस हमने बनाई हुई है वो सार्वभौमिक है एक तरह से सब जगह पे वही एज काम आएगी लेकिन चाइल्डहुड अपने आप में या कोई भी बचपन का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट विकास का यूनिवर्सल नहीं है सोसाइटी का कल्चर का प्रभाव पड़ता है तो यह बात फॉल्स हो जाएगी ये कल्चर से प्रभावित होगा तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर बात सही है नहीं सी क्यों जवाब दे रहे हो बोथ कौन से नशे है भाई ये सी क्यों आर क्यों ट्रू बच्चों का विकास सार्वभौमिक है बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं है बच्चों के विकास के चरण सार्वभौमिक सार है कि पहले बच्चा बच्चा होगा फिर वो बड़ा होगा ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ा कल को बच्चा बन जाए है ना तो वो क्रम है क्रम जो है वो सार्वभौमिक है ना कि बच्चों का विकास ही सार्वभौमिक है ये जो बचपन या विकास का जो संप्रत है वो अलग अलग आ, संस्कृति में अलग अलग बनाया हुआ कहीं पे अडोलसेंस को यानी किशोरावस्था को सेलिब्रेट किया जा रहा है कहीं पे उसको बहुत जिम्मेदारी की तरह देखा जा रहा है तो अलग अलग स्थिति है मैं आपको बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ घर के बच्चे का बचपन और एक गरीब घर का बच्चा जो सड़क पर गुब्बारे बेचता है उसका बचपन एकदम डिफरेंट है बेशक एज सेम हो तो ये बचपन डिफरेंट हो गया है यहाँ पे तो ए इज दी राइट आंसर कि ए तो सही है बट आर जो इसका रीजन दिया है वो गलत है कि यूनिवर्सल है टेन्थ देखिए एक बार अजर्शन क्या है इन लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थियोरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज अब आप देख रहे हो कितने लेंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिलेबस से में। बट इतनी लंबी कहानी है पूरी एक क्वेश्चन में कि अगर आप स्पीड से पढ़ के आपने प्रैक्टिस इनफ नहीं की तो पेपर में दिक्कत आपको होने वाली है ठीक है ना तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यो को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्मे हैं और बदले जा सकते हैं यानी जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ टू वेदर दे आर गुड और बैड यहां से कि अगर आपने गलत काम किया है तो आपको डांट पड़ेगी डांट पड़ रही है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया होगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस से कहां पहुंच जा रहे हैं वो कि फ्लेक्सिबल है जो लास्ट स्टेज है या लास्ट लेवल है वहां पहुंच जाने रहे कि नियमों को बदला भी जा सकता है फिफ्थ स्टेज में जो बात होती है तो ये बात ट्रू है ऐसे ही बढ़ते हैं अलग अलग स्टेज में शुरुआत यहां से हो रही है लेवल वन से और लेवल थ्री पे पहुंचेंगे सही है रीजन क्या आप देख रहे हो आप इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा कोलबर्ग की थे नहीं समझ में आई है नहीं होगा सॉल्व रीजन क्या है लॉरेंस कोलबर्ग अब पहले यह था कि वो दो लाइन का क्वेश्चन तीन लाइन का क्वेश्चन दे दिया वहां उतना गाढ़ा कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं जितना इस तरह के क्वेश्चन चाहिए समझ पा रहे हो ना तो लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है स्टेज वन में इतना फिर स्टेज टू में ऐसे होगा फिर थर्ड में ऐसे होगा यही बात तो कही है कि इस स्टेज से इस स्टेज पे आ गए आप कि जब आपको लगता था कि जो काम का अगर कॉन्सिक्वेंस गलत है डांट पड़ रही है तो जरूर मेरे भाई या बहन ने या मैंने गलत काम किया होगा जबकि ऐसा हो सकता है कि आपकी इंटेंशन गलत काम की ना रही हो लेकिन वो बात समझने के लिए आपको धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में जाना पड़ेगा तो ये बात सही है कि उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे स्टेजेस में होता है इसका रीजन यही है तो है यही तो के तो, के जवाब देना है चाहे पूछा कुछ हो ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन पांच नंबर का टॉपिक है सेकंड यूनिट सेक्शन टू कह सकते हो तो समावेशी शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल सबके लिए शिक्षा चाहे वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो यानी वो बच्चे जिनको विजुअली इंपेयर है देखने में दिक्कत है बधिर है 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 डेफ सुनने में दिक्कत है, कोई और समस्या है या गिफ्टेड बच्चा है हर तरह का बच्चा एक ही क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ेगा ये है इंक्लूसिव एजुकेशन तो समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है नॉट करेक्ट लिखा है ध्यान से पढ़िएगा एन इंक्लूसिव क्लासरूम जो सबको साथ लेके ना चले वही करेक्ट नहीं है पहला ऑप्शन है एन इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट डिफरेंसेज इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट्स कोलेबोरेशन यानी समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग भाषा में बोलते होंगे कोई दिक्कत नहीं है तो ये तो पॉजिटिव बात है हमें क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए कि कौन सा करेक्ट नहीं है एंड इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट यही गड़बड़ हो गई क्योंकि फिक्सड नहीं हमें चाहिए फ्लेक्सिबल हमें रिजिड या फिक्सड नहीं हमें फ्लेक्सिबल चाहिए सिस्टम एजुकेशन का चाहे वो समावेशी शिक्षा हो चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो यानी बाल केंद्रित शिक्षा हो निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन नहीं हमें फ्लेक्सिबल चाहिए मूल्यांकन भी और पाठ्यचर्या भी है ना तो बी ऑप्शन सही होगा ये नेगेटिव है ये गलत है जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है इतनी बात क्लियर है थर्ड ऑप्शन पढ़े क्लियर कराएंगे डोंट वरी अलग से कराएंगे उसको कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो भाई टाइम एग्जाम देने जा रही तो तो अभी आ, या तो अगर आप बैच में हो तो इंतजार करो अभी आएगी के अच्छे से डिस्कस बच्चे को बहिष्कृत ना करें कि नहीं हम इसको नहीं पढ़ाएंगे या तुम्हें नहीं पता इंक्लूड करें सबको सही बात है इंक्लूसिव टीचिंग मीन अडॉप्टिंग पेडेगोजी दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स यानी ऐसे शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी बच्चों की आवश्यकताओं को का समर्थन करता हो यह बात भी सही है एजुकेशन फॉर ऑल सबको साथ लेके चल रहे हैं बस एक ही ऑप्शन है जो फ्लेक्सिबल नहीं है और वही गलत हो गया बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लीजिए फटाफट से लेव बाइगोस्की का इतने छोटे क्वेश्चन तो आजकल देखने को नहीं मिलते हैं पेपर में लेव वाइगॉस्की प्रपोजेस दैट डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन लेव की प्रस्तावित लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वन नियमन के लिए महत्वपूर्ण है ये जो क्वेश्चन है ये आदिकाल से ऐसे ही पूछा जाता रहा है एकाध शब्द चेंज करते हैं नहीं तो ये क्वेश्चन प्राचीन काल से आदिकाल से पूछा ही जाता रहा है ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये कौन सी स्पीच तीन प्रकार की स्पीच या भाषा के प्रकार बताए हैं इन्होंने बाइगोस्की ने उसमें से एक प्रकार है जिसकी बात करते हैं कि जो बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन में मदद करता है यानी खुद की ही थाटेस प्रोसेस को कंट्रोल करने में या दिशा देने में मदद करता है वो कौन सा प्रकार है कुछ ना भी पता हो आपको बस इतना पता हो कि ये प्याजे के है, और सिर्फ ही बचा हुआ है, है ना वैसे तो अगर ये देखा जाए तो ये प्राइवेट स्पीच होना चाहिए था कायदे में लेकिन इनर स्पीच भी मतलब क्योंकि बच्चा खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है तो इनर स्पीच के द्वारा भी सेल्फ रेगुलेशन संभव है तो कोई दिक्कत नहीं है कि डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो तो इसलिए कई बार हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन देख लीजिए फटाफट से ये क्या कहता है एज पर जीन प्याजे जीन प्याजे की थियोरी के अनुसार जो उनकी संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास दिमाग के विकास की थियरी है विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं जो पहले नहीं पूछे जाते थे इस तरह से मुश्किल बना करके तो प्याजे के अनुसार कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है सेवन टू इलेवन ईयर्स और पूर्व यानी प्री ऑपरेशनल होता है दो से सात वर्ष तो ये दो से सात वर्ष देखो पहले क्या लिखा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी सात से ग्यारह वर्ष की थिंकिंग को अलग करने वाली दो से सात वर्ष यानी एसपीसीएफ सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल सिंपल क्वेश्चन है प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को अलग करने वाली कौन सी एक थिंकिंग प्रोसेस है हाइपोथेटिको रीजनिंग जबकि हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहाँ आती है ये फॉर्मल ऑपरेशनल में है ना और पूछा क्या है पूछा है कॉन्क्रीट और प्री ऑपरेशनल में पीसी के बीच में पूछा है तो एफ का तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं है ऑब्जेक्ट परमानेंस ये सेंसरी मोटर में आता है तो इसका भी कोई यहाँ लेना देना नहीं है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस तो सेंसेस की कहानी तो पहली स्टेज में ही आती है सेंसरी मोटर में तो बचा क्या डी ये डिसेंट्रिंग का ही कॉन्सेप्ट है जो प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक और संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या है कि आप 200 सौ पानी को एक छोटे मग में डालिए चाहे एक लंबे बर्तन में या बॉटल में डाल दीजिए वो 200 सौ ही रहेगा ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा तो यानी शेप और साइज के चेंज होने से क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं आता आप छोटे मग से इस बॉटल में डालिए जितना पानी उतना ही रहेगा दो सौ है तो दो सौ ही रहेगा दिखने में शक्ल चेंज हो गई बर्तन की उससे कुछ नहीं है तो बच्चा डिसेंटर कर पा रहा है एक ही यानी वो ये नहीं सेंटर्ड नहीं है यानी केंद्रित नहीं है उसका ध्यान इस बात पे कि उसका थॉट कि इसकी हाइट ज्यादा है तो यही जैसे होता है ना बचपन में आप देख लो जिसकी हाइट ज्यादा बच्चों को लगता है वही बड़ा होगा भाई जबकि आपके पिताजी की हाइट आपसे कम हो सकती है एक टाइम के बाद लेकिन आपको पता है पिताजी ही बड़े रहेंगे आप तो नहीं हो जाएंगे तो ये क्या है क्योंकि बच्चे का ध्यान एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस्ड रहता है उसका ध्यान या तो रंग पे है किसी चीज के तो रंग पे ही है अगर लेंथ पे है तो लेंथ पे ही है वो ये नहीं सोच पा रहा है इसकी चौड़ाई ज्यादा है बेशक उसकी लंबाई ज्यादा हो तो वो डिसेंटर कर पाता है कब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सात से ग्यारह में ये एबिलिटी आ जाती है जबकि प्री ऑपरेशनल में नहीं आती तब सेंट्रेशन का गुण रहता है यही चीज डिफरेंट डिफरेंस क्रिएट करती है दोनों स्टेजेस में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन हेल्प असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली अब ये क्वेश्चन भी आदिकाल से आता है हालांकि जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी जो वैल्यू बड़ी है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी है ना है। है करेक्शन के टाइम पे आई थिंक कर पाओगे ग्रूवी आई एम नॉट श्योर कि वहां पे दो चीजों में चेंज की मनाही थी एक बार आप देख लेना वो सी वाला जो वीडियो बनाया था उसको देख लेना उसमें मैंने बताया हुआ है देखो एक बार तो अगर हम बात करें क्रिटिकली निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है यानी किस तरह का क्वेश्चन पूछे कि बच्चे क्या जो क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग थिंकिंग है का मतलब क्या है सिर्फ बुराइयां नहीं करना कि हाय रे आपने बिहार पे वीडियो तो बनाया नहीं था जब कैंसिल हुआ तो आप बनाने आ गए ये कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है ये सिर्फ सिर्फ बुराई है इसमें आलोचना है ही नहीं क्योंकि लॉजिक समझाई नहीं जिसने भी ये बात कही भाई अगर मैं दस बारह दिनों से एक्टिव ही नहीं थी उस दौरान और बाद में मैं सिर्फ सीटेट पे ध्यान गया क्योंकि तो पहलू शामिल होते हैं किसी ने कहा नहीं है। में आप देखते हैं आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट देखते हैं किसी चीज के डेटा देखते हैं अलग अलग पक्ष से सोचते हैं सोचने में बेसिकली आपके दिमाग पर जोर पड़ता है आप सोचते हैं प्रॉपर ठीक तो सोच को जागृत करने वाला कौन सा क्वेश्चन होगा पहला ऑप्शन है क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल्स दैट वैलिडेट दी टेक्स्ट वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं यानी ऐसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल्स दैट वैलिडेट दी टेक्स्ट यानी कि एग्जाम्पल दे दो जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से काम चल जाएगा है ना रानी पांडे तो अगर आपसे पूछा जाए प्याजे के स्टेजेस के नाम बताओ या उदाहरण दे दो तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या लगी आपने अपने दिमाग पे क्या जोर डाला जो आपने समझा है वो बता दिया या जो याद किया वो बता दिया तो इसमें तो जरूरी नहीं है आपके कोई बहुत दिमाग पे जोर पड़ा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो आपको सोचने पर मजबूर करे वही इस तरह के क्वेश्चन का सही उत्तर होता है क्वेश्चन दैट आस्क फॉर अ समरी ऑफ टेक्स्ट तो समरी ऑफ टेस्ट में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा काम आती है बजाय कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कोई बहुत डीप में नहीं चले जाते आप समरी बताने के लिए आप कोई मूवी देख के आए उसकी स्टोरी बता रहे हैं किसी को तो क्या आपने बहुत अपने दिमाग के सारे घो, घोड़े दौड़ा दिए हैं सारी चिंतन प्रक्रिया हो गई नहीं जो आप देख के आए आप उसको छोटे रूप में बता दे रहे हैं यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी क्वेश्चन सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ टर्म देखो सिंपल डेफिनेशन में भी दिमाग खर्च नहीं होगा जहां दिमाग ज्यादा खर्च हो वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन question है क्वेश्चन फॉर द दूंट्स पर्सनल ओपिनियन अगर आपको पूछा जाए आपको एनिमल मूवी कैसी लगी और कैसी लगी तो क्यों लगी आपकी व्यक्तिगत राय क्या है है ना आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं इसमें होता है सर में दर्द क्योंकि आप सारे पहलुओं पे सोचते हैं और जिस क्वेश्चन में सर में दर्द होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है यानी सोचने पे मजबूर करे जो आपको तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर देखिएगा। देखिए, यानी दिल और दिमाग के बीच के बीच बीच? संबंध को कौन बेहतर तरीके से दर्शाता है संज्ञान एवं भावनाओं के बीच? Cognition and emotion एक का है हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है आता रहा है आता रहेगा ठीक है ना पहला ऑप्शन है दिमाग तो भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन भावनाएं दिमाग को प्रभावित नहीं करती अगर आप पेपर देने जाते हुए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं बहुत डरे हुए हैं फियर है पापा ने कहा है घर पे आए और पेपर क्लियर नहीं हुआ तो फिर दूसरा घर ढूंढ लेना बेटा तो ये क्या है आप बहुत स्ट्रेस में हैं है ना या उसने कह दिया कि भाई क्या ब्रेकअप हो जाएगा अगर ये वाला पेपर क्लियर नहीं हुआ और आप इस चीज के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है इमोशनली आपने इसको बहुत फियर ले लिया इस चीज का तो क्या जो आपको आता है वो आप ठीक से पेपर में कर पाएंगे नहीं अगर आपने इसी चीज को एक चैलेंज की तरह ले लिया कि हां ठीक है यार क्यों नहीं होगा हमने अच्छे से तैयारी किया देखते हैं जो होगा देखेंगे तो वो इमोशन आपका अलग तरह से आपके दिमाग पर प्रभाव डालेगा तो आप जो फील कर रहे होते हैं जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता आपको चीजें याद रखने में दिक्कत होती है मतलब आपके जो इमोशंस हैं वो आपके दिमाग को भी प्रभावित करते हैं ऐसा नहीं सिर्फ दिमाग ही इमोशंस को प्रभावित करेगा ये बाय डायरेक्शनल है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में कि कॉग्निशन इमोशन को करेगा लेकिन इमोशन नहीं करेगा ऐसा नहीं है इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू यही बात यह, फिर से वही बात हो गई कि भावनाएं तो संज्ञान को करती हैं यानी इमोशंस तो दिमाग को करेंगे दिमाग नहीं करेगा गलत दोनों करते हैं एक दूसरे को कॉग्निशन एंड इमोशन आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स ये बात सिर्फ तब काम आती है जब जिजोंक लिखा हो पेपर में कि जो संज्ञान और संवेग है वो दोनों क्या है स्वतंत्र है ये बात जिजोंक कहते हैं जो कि एक थियोरिस्ट है जिन्होंने थियोरी दी है इसके अलावा सब इंटरडिपेंडेंट मानते हैं इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर भावनाएं और, और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दिल और दिमाग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ठीक है ना अगर आपका दिमाग ठीक चल रहा है तो आप इमोशंस को भी मैनेज कर लेंगे और अगर इमोशंस खराब चल रहे हैं तो वो दिमाग अच्छे खासे ठीक को भी खराब कर देगा ठीक है ना तो डी ऑप्शन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं इसलिए बच्चे को ठीक इमोशंस में रखना है डरा के नहीं रखना क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट इज प्राइमरी क्लास इन प्राइमरी क्लासेज इज फैसिलेटेड प्राथमिक कक्षाओं में यानी कक्षा एक से पांच के बीच में भाषा का विकास किस प्रकार संबंधित सॉरी संसाधित होता है यानी बेहतर कैसे होगा बताइएगा संस्कृत में आठवां नंबर आते हैं इंग्लिश सोचना पड़ता है न्यू पढ़ना रहेगा सजेस्ट करिए क्या करूं तो वो आठवें नंबर आ रहे हैं तो फिर तो आपने सब्जेक्ट गलत लिया हुआ है रानी है ना इससे आसान तो आपको इंग्लिश लगेगा फिर या तो आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं या फिर कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि संस्कृत में आठ आठ और नौ नंबर आ रहे हैं तो फिर आप मत लीजिए ना संस्कृत ले क्यों रहे हैं आप जब आप देख रहे हैं ये चीज़ लगातार इंग्लिश में लिमिटेड ही टॉपिक है ऐसा नहीं है और इंग्लिश और हिंदी की पैडागॉजी बिल्कुल सेम ही आती है पेपर में ले सकते हो या तो फिर इंग्लिश संस्कृत के सारे प्रीवियस ईयर कर डालो बस उतना इनफ हो जाएगा और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ प्रीवियस ईयर में भी फिर आप पैसेज सॉल्व करना सीखो इसका मतलब आपका पैसेज बहुत गड़बड़ हो रहा है पेडागोजी तो आप फिर भी कर लेते हो नसीब नसीबा अगर कोर्स खरीद के भी दिक्कत आ रही तो एक व्हाट्सएप क्वेरी नंबर है मैं अभी दूंगी थोड़ी देर बाद करियर बिल का और आ, दूसरी बात आप माय कोर्सेज में एक बार चेक करना ठीक है ना चलो भाई आ जाओ यू आर वंडरफुल थैंक यू जी कोमल इधर आ जाओ बहुत तारीफें हो गई इतनी तारीफों से आंसू आ जाएंगे मेरे प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होगा या बेहतर होगा पहला ऑप्शन है वेन टीचर्स इग्नोर एंड डिसमिस द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन यानी जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा जो वो घर से बोलना सीख करके आए हैं जो उन्होंने अर्जित की है सीखना भी गलत होगा अर्जित की है यानी अपने एनवायरमेंट से रिसीव कर ली है प्राप्त कर ली है मातृभाषा मातृभाषा जो भी आपने जैसे मेरे लिए हिंदी हो सकती है या आपकी कोई क्षेत्रीय भाषा हो सकती है तो ये क्या होगा मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा नहीं कर सकते मातृभाषा को एक्सेप्ट करना है स्वीकार करना है कोई लैंग्वेज फार्मूला हो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मातृभाषा को इग्नोर करने या डिसमिस करने की बात करे तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी इससे कौन सा लैंग्वेज डेवलपमेंट सुसाधित होगा फैसिलिटेट थोड़ी होगा हेल्प थोड़ी मिलेगी लैंग्वेज डेवलपमेंट में जबकि हम ये जानते हैं रिसर्च कहती है कि मदर टंग जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करती है अगर मदर टंग में शिक्षा दी जाए वेन टीचर्स और अंडरस्टैंडिंग में भी वैन टीचर्स बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं यानी वो ये पेन दिखाने की बजाय वो पेन बोले अब बच्चे ने सुना है पेंसिल उसको समझ नहीं आ रहा पेन क्या है तो जब अगर वो पेन दिखा भी देंगे और फिर बताएंगे कि इस ये पेंसिल होती है इस पेंसिल को पेन कहते हैं अंग्रेजी में तो आपने सिम्बॉलिकली दिखाया ना कॉन्क्रीट मूर्त चीज दिखाई तब जाके पी फॉर पेन सिखाया तो यहां पर उल्टा कह रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा कि आप मूर्त वस्तु ना दिखाओ बस संकेतों से बता दो तो मुश्किल हो जाएगी बच्चों को कहां से पी समझ में आएगा फिर आता है सी ए फॉर एप्पल कहते हैं तब तो जाके चीजें दिमाग में जुड़ती हैं कि ए ऐसा होता है फिर इससे एप्पल बनता है क्योंकि एप्पल मूर्त है एप्पल उसने देखा है कहीं ना कहीं तो वेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट टू टू तो रेफर ये बात एकदम सही है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करेंगे यानी वो चीजें जो सामने नहीं है या जिनको बच्चा नहीं समझता है अभी उनको जोड़ देंगे मूर्त चीजों से जिनको टच और फील किया जा सकता है ए फॉर एप्पल बोलेंगे तो इस ए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है बच्चे के लिए कि उसको अपॉन यूज फॉर्मल लेंग्वेज, फॉर्मल लेंग्वेज होती है, बहुत ही औपचारिक उप्चार, भाषा बिल्कुल ऑफिस वाली लैंग्वेज बोलिए नहीं अभी तो बच्चा खेलकूद में सीखेगा तो सी ऑप्शन right आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिएगा फटाफट से क्या कहता है भाई अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थियोरी ऑफ मोटिवेशन फॉलिंग इज मोर लाइफली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस के आरोपण सिद्धांत है मतलब क्या है एट्रीब्यूट कौन रीजन है आपके फेलियर का या सक्सेस का एट्रीब्यूट किसको करेंगे तो अभिप्रेणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है पहला ऑप्शन है इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस यानी yani, बेहतर परफॉर्मेंस कब होगी बच्चे की जब वो क्या माने कि फेलियर अगर मैं फेल हुआ हूं तो दूसरों की वजह से या अपनी वजह से कब वो बेहतर परफॉर्म करेगा अगर वो ये मान लेगा कि मैं तो दूसरों की वजह से मेरी तो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती मेरे तो स्कूल में टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती ट्यूशन टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती मम्मी आपने किताबें नहीं दिलवाई थी अगर वो बाहर रीजन ढूंढेगा तो फिर तो सक्सेस जो रिजल्ट है वो इंप्रूव होने से रहा है ना किसी भी चीज में अगर आप लर्निंग में अगर आप रीजन बाहर ही ढूंढते रहेंगे असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण यदि वो इंटरनल ढूंढेगा कि मेरी क्या कमी यदि तो तो इंटरनल होगा तो बेहतर लर्निंग होगी वो रीजन खुद में इंप्रूवमेंट की बात करेगा ना कि आसपास तो एक्सटर्नल फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस कि अगर पास हुए तो टीचर की वजह से हो गए फेल हो गए तो भी टीचर की वजह से हो गए जबकि आपको इंटरनल पे फोकस करना है यहां एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस और जब फेल हो तो कहते दूसरे की वजह से कि मैं अगर पास हुआ हूं तो मेरी वजह से और फेल हुआ हूं तो दूसरे की वजह से तो ये गड़बड़ है एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर यानी सक्सेस के लिए बाहरी चीजों को अपनाना और सफलता उसके लिए असफलता के लिए आंतरिक आरोपण तो ये भी गलत है एक तरह से क्योंकि आपने मेहनत की नहीं होती तो टीचर भी कैसे क्या ही कर देगा टीचर पेपर में थोड़ी ना दे आएगा पेपर जाकर के ठीक है ना तो आपकी मेहनत तो होती ही है जब हम टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं हमेशा यही बात करते हैं भाई अगर व्यक्ति की मेहनत नहीं होगी तो और भी कई हजार लोग होते हैं बैच में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसेज ग्रुप्स डिमांड्स यानी जो बच्चे वंचित वर्गों से आते हैं यानी किसी जाति समूह या सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं है ना या आलाभान्वित हैं वंचित रहे हैं किसी भी आधार पे चाहे उनको सुविधाएं नहीं मिली चाहे वो उनकी जाति के लोगों को ठीक से नहीं व्यवहार किया जाता समाज में आर्टिकल 15 आपने देखी होगी तो वो वो वर्ग कैसा हो गया वंचित हो गया क्योंकि उनको समान अवसर नहीं मिले इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वंचित वर्ग के बच्चे को कैसे आप इंक्लूड करेंगे क्लासरूम में आइसोलेशन इन द्लास क्लासरूम ऑन बेसिस ऑफ सोशल एफिलियेशन कि भाई तुम फलानी जाति फलाने, फलाने समूह से आते हो तुम अलग बैठो जैसे पहले हुआ भी करता था कि अछूत मान लिया किसी को तो एकदम खराब तरीका है इसको आइसोलेट नहीं करना अलग नहीं करना ये गलत हो जाएगा सेम एबिलिटी ग्रुपिंग फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी क्लास ये भी मैंने आपको बताया अगर आपको एबिलिटी ग्रुपिंग करनी भी पड़े तो कैसे कैसी करेंगे डिफरेंटली डिफरेंट यानी मिक्सड एबिलिटी ग्रुपिंग करिए सेम नहीं कि जिन बच्चों को मैथ्स आता है उनको एक साथ बैठा दिया जिनको हिंदी आती है उनको एक साथ बैठा दिया तो फिर आपस में एक दूसरे से कहां सीख पाएंगे वो कुछ अगर आप सबको मिक्सड बिठाएंगे तो वो बेटर है तो ये भी गलत हो गया अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा यदि हम देंगे तो बच्चों को इंक्लूड कर पाएंगे कि हम बाकी बच्चों को भी इस चीज के प्रति अवेयर कराएं कि भाई अलग अलग हम सभी अलग हो सकते हैं विभिन्नता में एकता वाली बात अगर हम समझाएंगे तो लर्निंग बेहतर हो पाएगी उन बच्चों को भी हम इंक्लूड कर पाएंगे जिनको समाज में अलग थलग मान लिया गया था किसी भी आधार पर चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति यानी कि वो गरीबी गरीब है या फिर किसी ऐसी जाति समूह से आते हैं जिसको समाज ने माना है कि भाई नहीं भाई इनको तो अलग ही रहना ओनली राइट आंसर ओवर हियर पता नहीं भाई ब, बफरिंग क्यों होती है ये नहीं समझ आता हमें तो अब <coughs> बहुत ही बढ़िया यहां से तो सब ठीक ही चल रहा है चलो यार आगे बढ़ेंगे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिएगा एक बार बफरिंग इसमें भी हो रही है क्या नहीं

कई बार मैं वो चेंज कर देती हूँ उनका सर नेम मेरे दिमाग में गलत फीडेड है है ना तो इसे कन्फर्म करी थी तो नीरज चोपड़ा जी की अगर हम बात करें भाला फेंक अब जेवलिन थ्रो सब जानते हैं उनकी वजह से कह सकते हैं तो भाला भालाफेक में वो ये कह रहे हैं तनुज कि क्योंकि मैं लड़का हूं तो मैं भाला भालाफेक में पार्टिसिपेट करूंगा हिस्सा लूंगा भाला फेक की प्रतियोगिता में और मेरी जो बहन है वो रस्सी कूदने में शामिल होगी रस्सी कूदने के गेम में हिस्सा लेगी क्योंकि वह एक लड़की है इसलिए नहीं कि मेरा इंटरेस्ट भाला फेंक में है उसका रस्सी कूदने में है ऐसा नहीं है इन्होंने कह दिया कि वो एक लड़की है तो लड़कियों को क्या करना चाहिए रस्सी कूदना खो खो बैडमिंटन बस यही खेल लेना चाहिए भाला फेंकना लड़कियों के लिए नहीं है तो अब इस केस में ये क्या प्रदर्शन है बच्चे के दिमाग में एक तो आया तो ये एनवायरमेंट ही होगा स्टीरियो है ये सीधा सीधा क्या है ये लिंग रूढ़िबद्धता है है ना ये अगर लड़कों को भी ये कहा जाए क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो तो ये भी क्या है रूढ़िबद्धता है ठीक है इतनी बात क्लियर है कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में तो जेंडर रूढ़ी बदता है ये कि ये मान लिया जाए कि कोई काम कोई एक पर्टिकुलर जेंडर ही करेगा अगर हम बात करते हैं और इस पर हम चर्चा भी, कल परसों भी की थी इक्विटी होती है जब आप सेंसिटिव हो यानी जो आ, लड़कियों का इवन शॉर्टपुट होता है ना गोला फेंक तो वहां पर लड़कियों के लिए वजन कम होगा लड़कों के लिए ज्यादा होगा ये इक्विटी बेस्ड है समता नीड के आधार पे कि हमारी बायोलॉजी जैसी है उस हिसाब से हमने आ, दोनों के लिए अलग तरह का वेट रखा है ये इक्विटी है ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर जब भी आपको देखना हो कि क्या स्टीडियोटाइप रखें इक्वालिटी रखें इक्विटी रखिए आप इक्वालिटी भी सब जगह काम नहीं करेगी ठीक है ना इक्वालिटी या बराबरी कि हमें पता है कि जो जैविक क्षमता है लड़के और लड़कियों की वो डिफरेंट है फिर भी हम कहें कि अगर ये लड़का है जो भी तनुज तनुज कहे मेरी बहन भी पच्चीस किलो उठाएगी और मैं भी पच्चीस किलो तो चलो कम वेट है तो ये एकदम इक्वालिटी तो है लेकिन ये गलत है ये इक्विटी के बेस्ड पे नहीं है नीड के बेस्ड पे नहीं है नीड बेस्ड नहीं है तो जेंडर समता यही जो पूरा रिजर्वेशन का है चाहे वो वुमेन कोच वुमेन्स कोच अलग रखना हो मेट्रो में चाहे वो बिहार में लड़कियों को अलग से रिजर्वेशन मिलना हो इतने परसेंट क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी को दबा के रखा गया आप उसको ये नहीं कहेंगे साथ दौड़ लो पहले उसको ऊपर तो उठाओगे वो इक्विटी है ठीक है कॉन्स्टेंसी होता है कि जैसे आप कपड़े बदल सकते हो वैसे आप जेंडर नहीं बदल सकते तीन से चार साल के बीच में ये समझ आ जाती है बच्चे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा

कोई चीज पकड़ने में दिक्कत तो उसको हम एक तरह से डिस्प्रेक्सिया भी कह सकते थे डिस या अप्रेक्सिया स्पेशल अवेयरनेस के लिए अलग से हमने अभी सॉरी कोई टर्म हम यूज करते नहीं है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ये दोनों काम के नहीं है डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग लास्ट क्लास में जब हम पेपर टू डिस्कस कर रहे थे क्योंकि टॉपिक सेम है इसलिए आपको दोनों ही पेपर के क्वेश्चंस करने चाहिए भले ही आप एक पेपर देने जा रहे हो त्मक प्रसंसकरण में कठिनाई इसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होती है जब बच्चा लेटर्स और साउंड लेटर्स साथ, और साउंड को जो उस लेटर की साउंड है एक साथ जोड़ के नहीं दिमाग में कोरिलेट कर पा रहा तब वो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में दिक्कत है यानी वो साउंड से लेटर को नहीं जो, जोड़ पा रहा जब हम उसको बी और डी में वो कंफ्यूज हो, हो जाता है क्योंकि वो साउंड को कनेक्ट नहीं कर पा रहा या रिवर्स में अगर वो पढ़ रहा है ईशान अवस्थी का एग्जाम्पल दिया था आपको याद होगा लास्ट क्लास में सेम पिक्चर भी दिखाई थी ठीक है ना कि स्पेलिंग में बच्चों को दिक्कत होती है वो बी को डी सिक्स को नाइन डॉग को गॉड पढ़ सकते हैं गॉड को डॉग पढ़ सकते हैं सो को वॉस पढ़ सकते हैं यानी रिवर्स पढ़ सकते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में दिक्कत होती है मिक्स कर देंगे साउंड को एनिमल को एमिनल पढ़ सकते हैं इस तरह की समस्याओं पर हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिए रीडिंग डिसऑर्डर है बेसिकली देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय यानी समस्या समाधान को कैसे बढ़ावा मिलेगा ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाला जब टॉपिक हम करते हैं और बैच में हम कर भी चुके हैं है ना तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है यानी प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा बच्चा कोई समस्या उसके सामने आएगी तो वो सॉल्व कर पाएगा इस चीज को बढ़ावा कैसे मिलेगा ये पूछा है बताइए

फोन को बताएंगे ठीक है ना कि फोन बहुत देखते हो फंक्शनल की अगर हम बात करें कार्यात्मक है आप हमेशा फिर वही तरीका यूज करते रहते हैं जो कि काम नहीं आएगा तो अब सारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जब आप दिशाओं में सोचते हैं कि एक प्रॉब्लम है तो इसके पचास सोल्यूशन होंगे जरूर या जब आप चार चीजें सोचेंगे तब एक काम आएगी तो यानी दिशाओं में सोचना डाइवर्जेंट थिंकिंग रचनात्मकता क्रिएटिव थिंकिंग को भी बढ़ावा देता है ओपन एंडेड थिंकिंग है ये दिमाग खुला हुआ है इसका मतलब आपका और आपको बच्चे में इसी को बढ़ावा देना है दिमाग के खोलने को मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको अपसारी चिंतन कहते हैं और मैं आपको कहती भी हूं कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कौन सा इनमें से डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में से डीसी साथ जाते हैं सीसी नहीं मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग चलती है क्रिएटिविटी के साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगी लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे ये बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं पॉसिबल तो ये सीसी साथ नहीं जाते डीसी जाएंगे यानी डाइवर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग साथ में चलेंगे तो अगर हम देखें डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है दिशाओं में एक प्रॉब्लम है कि भाई प्रॉब्लम क्या है कि किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत है सीडीपी में दिक्कत है इसमें नंबर नहीं आ रहा संस्कृत में दिक्कत है मान लो कोई बता रहा था तो आप क्या करेंगे सोल्यूशन क्या हो सकते हैं भाई अच्छा टीचर हूं नोट्स पढ़े अगर लेट्स रन में फ्री नोट्स मिले हुए हैं बैच ले या और क्या हो सकता है और क्या दिमाग में आएगा किसी दोस्त से पढ़ लें जिसने पहले किया हो सी टेट है ना स्ट्रेटजी देख लें किसी टॉपर की और इन सब का यूज करके एक कुछ अपना अपना तरीका निकालें फिर तो ये क्या है आप दिशाओं में सोच रहे हैं प्रॉब्लम एक है लेकिन आपने मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे हैं किसको ऐसे भी डील कर सकते हैं 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 ये क्या है मल्टीपल तरीके हो गए प्रॉब्लम एक थी यानी एक पॉइंट से दिशाओं में सोचना इसीलिए डाइवर्जेंट या ओपन एंडेड थिंकिंग कहते हैं उसको यानी कुछ आप नया सोच पाते हैं इसकी वजह से ये क्लोज एंडेड है जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसको अभिसारी बोलते हैं डाइवर्जेंट को अपसारी चिंतन बोलते हैं एक नंबर क्वेश्चन आता ही है ठीक है वहीं अगर हम देखें कन्वर्जेंट को तो अभिसारी यानी सिकुड़ता हुआ ये फैलता हुआ है डाइवर्जेंट डाइवर्ज diverge का मतलब ये अलग अलग दिशाओं में अभिसारी यानी कन्वर्जेंट मैंने आपको बताया सीसी साथ नहीं जाते यानी कन्वर्जेंट और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते हालांकि डिसीजन मेकिंग है आपको कोई निर्णय लेना होगा तो कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी अब सारी चिंतन लगेगा क्योंकि मल्टीपल दिशाओं से अभी सारी सोचे सॉरी तो मल्टीपल दिशाओं से आपके पास चार ऑप्शन है चार लोग पसंद है एक ही से करनी है भाई शादी रिश्ते आए हुए हैं जो चलता है ना भारत में तो रिश्ते आए हुए हैं तो चार रिश्तों में से एक चूज करेंगे जब आप तो ये क्या है कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी यानी जब आप चार ऑप्शन में से क्वेश्चन है आपके सामने चार ऑप्शन है कोई एक ही सही होगा है ना रिश्ते में बात अलग है वो आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं लेकिन आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ेगी कि चार ऑप्शन में से ए बी सी डी में से एक ही सही होगा जब आप पोल में जवाब दे रहे हैं इसका मतलब आप कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज कर रहे हैं यानी आप डिसीजन मेकिंग के लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज करते हैं ठीक तो ये क्या है अलग अलग दिशाओं से एक पॉइंट पे आना एक डिसीजन पे आना जब आप फिलिंद द ब्लैंक जब आप एम सी क्यू चूज करते हैं तो ये क्या है इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगती है जब आप दिशाओं में जब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लिख रहे हैं किसी पेपर में यूपीएससी हो या कोई भी आपका जो एग्जाम्स होते हैं बीएड वगैरह के वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं तो वो ओपन एंडेड थॉट उसमें लगेगा क्लोज एंडेड में ज्यादा ऑप्शन नहीं होते आपको ज्यादा ऑप्शन से एक की तरफ आना होता है और यहाँ एक से मल्टीपल ऑप्शन की तरफ जाना होता है अब एक क्वेश्चन है इसी पे इसीलिए मैंने आपको एक देर बताया अभी अब जवाब देना एक और क्वेश्चन आया हुआ दो क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार डायवर्जेंट थिंकिंग पे डायवर्जेंट थिंकिंग वाइल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग इज डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग इज डैश अभी बताया है अब सारी चिंतन यदि डैश है जबकि अभिसारी डैश है बताइएगा फटाफट से फटाफट जवाब देंगे जल्दबाजी में नहीं देखना है पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ले, तरह लेना है आ, रील की तरह नहीं लेना है तो एक मिनट में पढ़ाई नहीं होगी एक घंटा लगेगा कम से कम सी ऑप्शन सेवेंटी नाइन परसेंट लोग कह रहे हैं वाइल्ड डाइवर्जन थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट इज डैश डायवर्जेंट थिंकिंग प्रोमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटीज वही वर्बल एबिलिटी का प्रोमोट्स वर्बल एबिलिटीज प्रमोट्स मैथमेटिकल जबरदस्ती डाल दिया ऑप्शन एनकरेजेस मल्टीपल मल्टीपल कौन एनकरेज करेगा डायवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल सही है सोल्यूशन uh, on बिल्कुल सही बात है जब आपको करेक्ट सोल्यूशन चुनना है तो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी जब आपको मल्टीपल तरीके से सोचना है तो डायवर्जेंट लगेगी यही बात तो समझाए थी इतनी देर इज फिक्स ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन नहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा नहीं मल्टीपल सोल्यूशन की तरफ जाएगी तो सी ऑप्शन जब कई उत्तरों को अपसारी फैलता हुआ चिंतन प्रोत्साहित करता है जबकि जो अभिसारी है वो एक समाधान की ओर जाता है तो सी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज एज फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा एक होता है सबमेटिव असेसमेंट जहां पे रिजल्ट या जजमेंट बेस्ड कितने परसेंट नंबर आए इस पे ध्यान होगा जनरली टर्म एंड पे होता है यानी या, या आपका हाफ ईयरली फॉर्मेटिव असेसमेंट है जहां आपको एक्टिविटीज के थ्रू जाचा जाए पेपर पेंसिल टेस्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो कौन सा सही नहीं माना जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन में एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया ये है कि बोर्ड्स में इतने फाइनल में इतने परसेंट तैतीस परसेंट नंबर नहीं आए तो फेल हो जाओगे पेपर पेंसिल टेस्ट होता ही समेटिव में है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक हो इवन समेटिव में भी नहीं होना चाहिए ये ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं आपके वहां जाना चाहिए लेकिन ये फॉर्मेटिव में तो बिल्कुल नहीं होगा समेटिव के किसी प्रकार में पॉसिबल है तो यही गलत है क्योंकि कंपेरिजन के लिए नहीं होता फॉर्मेटिव तो होता ही फीडबैक के लिए है एन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई मिसकॉन्सेप्शन कहां कमी रह गई है शुरुआत में कहा दिक्कत थी पुराने में क्या कमी रही ऑन गोइंग फीडबैक ये सब सही है लेकिन एक ही है जो बच्चे के पक्ष में नहीं है वो है ए ऑप्शन जो कि गलत है तो ये सीसीई से था क्वेश्चन ठीक है ना ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पांच सवाल और हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी यानी बेहतर फीडबैक जो काम आए आपके जो फीडबैक टीचर से मिला हुआ इट इज ओनली फोकस्ड ऑन दी आउटकम कितने परसेंट नंबर आए सिर्फ उस पर तो फिर पता कैसे लगेगा इंप्रूव कहाँ होंगे इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक यानी जब आपने गलती की जब टेस्ट लिया गया आपको समय से बता दिया गया और स्पेसिफिकली बताया गया कि आपकी कमी कहाँ है जब कोई कहता है मुझसे कि क्लास में तो समझ आ जाता है खुद से करते हैं तो दिक्कत होती है क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं तो सॉल्व नहीं होते क्लास में समझ आ जाते हैं इसका मतलब एक तो पॉजिटिव बात यह कि आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन कमी कहा है इसमें दो ही चीजें हो सकती है या तो आपने प्रैक्टिस कम की है या आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता जब आप खुद से पढ़ते हैं है ना और ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है प्रैक्टिस से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे पढ़ के समझेंगे ध्यान से ठीक है ना तो टाइमली और स्पेसिफिक यानी एक तो समय से मिलना चाहिए और स्पेसिफिक जहां जरूरत हो वहां टाइमली का मतलब ये है और जिस तरह से एग्जैक्ट बताया जाए सिर्फ एंड में होना चाहिए नहीं भाई पूरे साल चलाओ आप ब्रॉड एंड जेनरिक जेनरिक होगा तो समझ ही नहीं आएगा अरे भाई दिक्कत तो है तुम्हारे अगर तुम खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है पढ़ते नहीं हो ठीक से अगर ये मैंने कह दिया इससे क्या पता लगेगा भाई आपको पता इससे लगेगा ना कि या तो प्रैक्टिस में कमी है या पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो दोनों में से कोई एक है या दोनों है तो ये स्पेसिफिक हो गया तो बी ऑप्शन यहां पे सही था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखेगा फटाफट से गार्डनर का क्वेश्चन है इंटेलिजेंस का एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार

स्किल्स हाँ एक बार को पॉसिबल है परफॉर्मेंस सिर्फ मैंने इतना ही पढ़ लिया था तो वो फिजिकल परफॉर्मेंस दिमाग में आया है ना जबकि आपका जब आप एक आ, कोई एक गिटार भी बजा रहे हैं वीणा भी बजा रहे हैं तो वो भी परफॉर्मेंस है तो प्रदर्शन या रचना करने के कौशल कि आप कुछ नया बना पा रहे हैं है ना कंपोज कर पा रहे हैं आप कोई नई धुन बना पा रहे हैं लाइक ए आर रहमान जी ठीक तो ए ही सही होगा वो मैंने पढ़ा गलत था और यही बात अभी प्रूव हो गई जो मैं आपको कह रही थी कई बार हम पढ़ गलत लेते हैं या तो प्रैक्टिस की कमी रीजन होते हैं तो हो इंटरपर्सनल तो हो तो इंटर खुद को जानना अंत व्यक्तिक है लेकिन लोगों को जानना इंटरपर्सनल है तो वो नहीं लिखा ना सही मैच कैसे हो गया है सी नहीं है यहाँ पे ये ही है क्योंकि वो कंपोजिशन ऑफ साउंड लिखा है लेकिन पूरा नहीं लिखा है तो वो उस तरह से घुमाया गया है क्वेश्चन को Which of the following इज करेक्टली डिस्क्राइब्स intrinsic मोटिवेशन इंट्रेंसिक मतलब इंटरनल मोटिवेशन एक है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी है बाहर यानी यानी तो आंतरिक आंतरिक अभिप्रेरणा जिसका रीजन अंदर होगा वो है सिंपल बात जिसका रीजन बाहर नहीं होगा पैसा नाम कोई और तीसरी चीज नहीं होगी अवार्ड मिलेगा इंट्रेंसिक में रीजन अंदर होगा मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन विद अदर्स अब इसमें रीजन बाहर हो गया एक्सटर्नल है तो, क्योंकि रीजन बाहर है दूसरों से बेहतर बनना है इसका कोई अंत है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम ऑफ पनिशमेंट यानी ऐसा मोटिवेशन जो डर से आए, तो इसका भी है, है। बाहरी reason से है, अगर आपको ये motivation आता है तो motivation that comes from external rewards. तो जब reason ही बाहर है रिवॉर्ड मिलेगा उसके लिए तो वो भी एक्सटर्नल है एक ही ऑप्शन बचता है पढ़ लेते हैं मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क इसमें रीजन आंतरिक है इसमें रीजन बाहर नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आपको मजा आता है किसी काम करने को व्यक्तिगत आनंद आता है आपको किताब पढ़ने में आपको जैसे मुझे टीचिंग में भी आता है या फिर अगर मैं बात करूं आप एक गाना सुन रहे हैं तो आपको कुछ मिल थोड़ी रहा है उस गाने से इंजॉयमेंट मिल रहा है एंजॉयमेंट कोई ऐसी चीज है जिसको ढाई ग्राम तोल के दे दोगे किसी को एक्सटर्नल थोड़ी या इंटरनल है तो ये डी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिएगा ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी चाइल्ड सेंटर जॉन डुई की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन आज शाम में ही पढ़ा था याद होगा आप लोगों को जो लोग बैच में होंगे लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क यानी प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होनी चाहिए चलो भाई हो सकता है बी ऑप्शन देखो करिकुलम शुड बी प्री डिटर्मिंड एंड यूनिवर्सल नहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम इस पर हम चर्चा कर चुके हैं यूनिवर्सल तो फिर वही हो जाएगा कि मौका ही मत दो फिर तो अमेरिका के बच्चे को भी वही पढ़ाओ जो यहाँ पढ़ा रहे हो जबकि इनवायरमेंट के हिसाब से चेंजेस होने चाहिए स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं डिफरेंशिएटेड चाहिए हमको स्टूडेंट शुड पैसिव होने चाहिए शुड बी पैसिवली रिसीव निष्क्रिय नहीं होना बच्चे को सिंपल आंसर है एक लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क यानी प्रमाणिक कार्य यानी रियल लाइफ पे बेस्ड हो जो काम जो जीवन लाइफ एजुकेशन इज लाइफ इट यानी जीवन से जुड़े हुए एक्टिविटीज हो सोशल प्रॉब्लम्स डेमोक्रेटिक चीजें

देखिएगा इंपेयरमेंट क्या है इंपेयरमेंट होता है आप लोग कह रहे हैं ऑपरेटिव क्रियात्मक नहीं यार एक्टिविटी करने में जो दिक्कत है उसको इंपेयरमेंट नहीं कह रहे हैं बायोलॉजिकली यदि कोई दिक्कत है यानी मान लीजिए हाथ नहीं है व्यक्ति का या हाथ कट गया भगवान ना करे ऐसा हो बट हो गया ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ और हाथ नहीं है ये आर्म नहीं है या फिर ये हैंड नहीं है तो ये इंपेयरमेंट है ये बायोलॉजिकल है ये शारीरिक स्थिति शारीरिक है एक तरह से सामाजिक नहीं है ये बायोलॉजिकल है बात तो सही है डिसेबिलिटी क्या है डिसेबिलिटी जो ये बायोलॉजिकल कंडीशन है ये इंपेयरमेंट है कि हाथ नहीं है व्यक्ति का इसकी वजह से वो लिख नहीं पाएगा ये डिसेबिलिटी है हाथ का ना होना इंपेयरमेंट है हाथ के ना होने की वजह से कोई काम ना कर पाना डिसेबिलिटी है और जो समाज में हाय हाई इसका तो हाथ नहीं है इसको तो ये कहो इसको तो वो कहो ये तो बेकार है ये सब हैंडीकैप है तो हैंडीकैप क्या समाज बना देगा डिसेबिलिटी कि किसी काम को करने में दिक्कत इंपेयरमेंट है जो बायोलॉजिकली फिजिकल दिक्कत है किसी को शारीरिक तो चाहे वो बाद में किसी एक्सीडेंट से हुई हो चाहे वो किसी भी वजह से चाहे बाय बर्थ हो सकती है किसी किसी को आंख से 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 दिखाई नहीं नहीं देता था मान लो किसी भी रीजन से. तो वो फिर इंपेयरमेंट उसकी वजह कोई काम नहीं कर पा रहा इंसान तो डिसेबिलिटी लोगों ने सोशली बना दिया तो वो हैंडीकैप ठीक होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी फंक्शनल यानी काम करने में देखो मैं सिंपल बताती हूँ डिस्लेक्सिया में तो कोई फिजिकल दिक्कत होती नहीं है मानते हैं एक व्यक्ति है जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है यानी बचपन से उसका एक पैर काम नहीं करता और मतलब थोड़ा उसकी शेप वैसी है कि वो उतना मजबूत नहीं हुई मसल्स या वट एवर द रीजन इज बट फिजिकली इम्पेयर्ड है वो यानी वो व्हील चेयर या फिर जो आपकी बैसाखियां होती हैं उनसे चलता है क्योंकि एक पैर ठीक से डेवलप नहीं हुआ था तो यह बायोलॉजिकल दिक्कत जिसको इंपेयरमेंट कहेंगे इसकी वजह से उसको चलने में दिक्कत होती है फंक्शनल एक्टिविटी में दौड़ने में दिक्कत होगी वो है डिसेबिलिटी जब समाज ये कहे हाई रही है तो इसका है, ये है, वो, है, तो वो, है, तो वो हैंडी कैप बन जाएगा वो सोशल एस्पेक्ट हो गया आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन फटाफट से देखिएगा क्या पूछा क्वेश्चन नंबर है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैप फोल्डिंग यानी आलंबन या पाड़ जिसको हम कहते हैं ढांचा टेम्परे हेल्प अस्थायी मददिंग जहां बच्चा अटके वहां मदद देने का उदाहरण कौन सा है फटाफट से बताओ हाँ बिल्कुल सही बोला तरुण सीटेड वालों ने भी क्रिटिकल थिंकिंग करके हम लोग के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं अब ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो जाए हाँ और आपका टाइम वेस्ट नहीं अगर आपने दिमाग बहुत यूज किया होगा तब जाके आप समय बचा पाएंगे पेपर में क्वेश्चंस मुश्किल बनते हैं थिंक मतलब सारे नहीं ऑफ कोर्स लेकिन पहले से तो मुश्किल है अगर आप देखेंगे लैंग्वेज थिंक लाउड यानी बोलकर सोचो जोर जोर से बोल बोल के सोचो खुद से बात करके सोचो ये हाँ ठीक है कई बार बच्चा होता है ना दोबारा से खुद से बात करके अच्छा ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे तो उसको याद आ जाती है चीज़ें तो ये चीज़ हेल्प करती है ठीक है प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज जहां जरूरत है बच्चे को संकेत या इशारे दे रहे हैं हिंट्स दे रहे हैं ठीक है ये भी इसके है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उससे दिमाग एक्टिव होता है सही है हाफ सॉल्व एग्जाम्पल्स सही है आधा मान लो चार स्टेप सॉल्व कर दिए अब पांचवे पे दिक्कत होगी तब वहां हेल्प करेंगे उसके बाद खुद से करेगा सॉल्व रोट रिहर्सल रट्टे लगाना रटकर दोहरा आप दो, दो एक कम दो 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 चार बस रट्टे लगा रहे हैं ये इसका फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है इसका फोल्डिंग मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करता है ना कि रट्टाफिकेशन या रोट लर्निंग को तो जहां ई है वो ऑप्शन हटा दो बाकी सब सही है यहाँ पे भी ई है यहाँ पे बाकी के दो ऑप्शन नहीं है जो कि सही है तो ए बी सी डी तो आपका ए ऑप्शन में ही निहित है तो यही सही है लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टीएथ देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्टीएथ अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट वॉट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट एंड इन डूइंग समथिंग कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं यानी उनका ध्यान सेल्फ सेंटर्ड खुद पे ही ध्यान है उन्हें सोसाइटी से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं कि मेरा स्वलाभ क्या है है ना सेल्फ बेनिफिट किस चीज में होगा मैं क्यों जाऊं दुकान से बिस्किट लाने अगर रिश्तेदार आए हैं तो भेज होगी आपकी होगी मुझे क्या है मुझे अगर पांच रुपए मिलेंगे चॉकलेट खाने के लिए तो तो मैं दुकान से जाकर के सामान लेकर के आऊंगा या आऊंगी यह है स्व लाभ खुद के लिए सेल्फ बेनिफिट देखना एक तरह से कौन सी स्टेज है एट थर्ड स्टेज इन दी सेकेंड लेवल नहीं थर्ड स्टेज आते ही तो सोसाइटी आ जाएगी ना कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा परंपराओं वाला At the fifth stage, यहां तो 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 व्यक्ति के के हिसाब से से चलेगा वो selfish motive नहीं, वो morality stage, first level, first तो वो नहीं अपनी ही अलग बनाएगा में में बचने के लिए काम करेगा first stage में तो वो ये कहता है मम्मी चुपचाप से दुकान से बिस्किट ले आता हूं पिटाई से बचना है तो है ना तो ये क्या है डी ऑप्शन ही बचता है एट दी सेकेंड स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल कन्वेंशन से पहले तो सोसाइटी का सच उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, है ना और जो सेकंड स्टेज है वो है टिट फॉर टेट जैसे को तैसा मुझे क्या मिलेगा कोई काम करने पे है ना तुमने मेरा टिफिन खाया तो अब तुम्हें भी खिलाना पड़ेगा इसको हम म्यूचुअल एक्सचेंज कह देते हैं जो स्वलाभ मानसिकता होती है यहाँ पे आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन कितने ठीक हुए ये टेलीग्राम पर पी डी आपको मिल जाएगा अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं मैं चैप्टर वाइज पूरा सोल्यूशन जो आपका बैच है वो चल रहा है आ, करियर विल ऐप पर बाकी टीचर्स अपना सब्जेक्ट ले रहे हैं मैं अपना सब्जेक्ट लेती हैं कंप्लीट बैच है है ना तो आप जुड़ सकते हैं क्लासेस आपकी अब छुट्टी भी खत्म हो गई है होली की और क्लासेस तो चल ही रहे हैं वेबसाइट से अगर आप ले रहे हैं करियर विल डॉट कॉम से करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहाँ रजिस्टर करके वेबसाइट से अगर आप बैच लेते हैं तो ये डिस्काउंटेड फी पे आपको मिलेगा नहीं तो ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आया हो कल मिलेंगे नौ बजे और ऐसे ही सीट के लिए काम काम की चीज़ें करते रहेंगे आउट ऑफ थर्टी कितना स्कोर किया वो आप बताइए किसी क्वेश्चन में डाउट हो वो आप बताइए कोई और बात कहनी हो सुननी हो वो आप बताइए नौ बजे मैं कल कोशिश करूँगी कि शुरू कर दूँ क्लास है ना कि लेट ना हो नहीं तो ग्यारह बज ही जाते हैं फिर और वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ सीडीपी कैसे इंप्रूव करूं देखो तृप्ति एक तो ना सारी एक्सपेक्टेशन खुद से एक ही दिन में नहीं रख लेनी अभी दो सेशन हुए मात्र आप कुछ दिन जुड़े रहिए सीटेट तक तो खैर दुनिया ही बदल जाएगी थर्टी आउट ऑफ थर्टी भी ले आओगे लेकिन कुछ दिन में आपको पता लग जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो रहे हैं और आपको पढ़ के समझना बेहतर आ रहा है क्योंकि आप इसके फोल्डिंग मिल रही है आपको लेट्स लर्न से या क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ के समझ रही हूं फिर आपका भी वो थिंकिंग जो है वो अलाइन हो जाएगी कि आप भी उस तरह से फिर समझ पाएंगे उसमें समय लगेगा एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता लर्निंग क्या ग्रेजुअल प्रोसेस है अभी पढ़ा था ना प्रोडक्ट नहीं है कोई गोली नहीं दे सकता आपके दिमाग में कि भैया ये टेबलेट खा लो तीस में से तीस आ जाएंगे वो समय लगेगा पढ़ना पड़ेगा रोज लाइव क्लास अटेंड करनी पड़ेगी हाँ जो गलत है क्योंकि वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था इक्कीस आए हैं तीस में से कोई बात नहीं नंबर पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना ये शुरुआती क्लासेज हैं अभी धीरे 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 चीजें क्लियर होती जाएंगी अट्ठाइस भी आ रहे हैं किसी के बाइस बहुत बढ़िया गुड नाइट भाई कल मिलते हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में हम करेंगे कल से क्वेश्चन डिफरेंट भी करेंगे ओके बाय बाय थियरी बैच में चल रही है भाई टेक केयर गुड नाइट कल मिलते हैं नौ बजे शाम को यूट्यूब पे और बैचेस में